हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मेरा चैनल है पेट पूजा ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई डिश जो आपने मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, आपने खाया भी है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं टिक्की। जी हाँ, आलू टिक्की बनाने जा रहे हैं हम ये बनाएंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, तो फिर हमने ले लिया है इसमें बॉयल आलू। बॉयल आलू हमने इसको बॉयल करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। हमने इंस्टेंट इसको उस टाइम मैश नहीं किया था। 3-4 घंटे छोड़ने के बाद उसके बाद फिर हम देखिए मसाला ले लेंगे। मसाले में सादा नमक, लहसुन की कलियाँ, चिली फ्लेक्स, मिर्ची, नींबू और 2-3 पत्ती पुदीना अगर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। फिर काला नमक और थोड़ा सा प्याज डालेंगे इसमें। और दोस्तों, ये धनिया है, धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो धनिया डाल देंगे। और चलिए, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिससे हमारी क्रिस्पीपन बनेगा वो है चावल का आटा। चावल का आटा ले लिया है, ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका क्रिस्पीपन बनेगा। तो देखिए, आलू को बॉईल कर दिया था हमने, अब इसको हम मैश कर लेंगे। सारे आलू को अच्छे से मैश करने के बाद, मैश कर लिया हमने, अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले जो हमने अभी आपको दिखाए थे, वो सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसमें हमने अभी डाला चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको स्पाइसी चाहिए किस प्रकार का चाहिए आप वैसे डाल लीजिए। इसमें प्याज डाल दिया हमने, प्याज के बाद हमने इसमें डाला है आपका ब्लैक पेपर। सादा नमक, धनिया का पत्ता, लहसुन की कलियाँ, फिर डालेंगे इसमें हरी मिर्च 2 कटा हुआ। अब हम इसको इसमें डालेंगे अब चावल का आटा। अभी फ़िलहाल हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, बाकी आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप इसमें और चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, मैश हो गया है। मैश करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड रख देंगे ताकि मसाले वसाले सब अच्छे से इसके अंदर फूल जाए। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट बाद हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम गोल बना लेंगे, हाथों में रख के गोल बना के और टिक्की का साइज़ दे देंगे आप। अब आपके अकॉर्डिंग है दोस्तों कि आप इसको टिक्की बड़ा छोटा आप जो भी साइज़ देना चाहें आप उस साइज़ में इसको आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें सारे टिक्की बना लेंगे इस टाइप के ही। तो ये देखिए, हमने सारे टिक्की तैयार कर लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले करेंगे, एक लेंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन को हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इस पर हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि हमें ये अच्छे से सेकना है अंदर बाहर से। दोस्तों, आंच को हम बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे क्योंकि आप तेज़ रखोगे तो फिर ऊपर ऊपर से पक जाएगा, अंदर से सही से ये पक नहीं पाएगा। तो ये देखिए, ये गर्म हो गया है। जब ये गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे अब टिक्की जो हमने बनाया था। इसी प्रकार हम इसमें सारी टिक्की ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि आपको आंच को मीडियम रखना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं रखना है। तेज़ फ्लेम आप रखोगे तो ऊपर का पक जाएगा, अंदर से आपका कच्चा रह जाएगा तो वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इसको मीडियम आंच पे ही पकाएं। मीडियम आंच पे अच्छे से हर तरीके से आप इसको पका दीजिए।
ये मैंने थोड़ा पहले डाल दिया था, तो ये देखिए ये थोड़ा जल्दी पक गया है। आँच भी मेरी तेज़ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये देखिए ये तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। अब इसमें आप धनिया चटनी, आप सॉस, आपको जो भी चटनी पसंद है आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। धनिया की चटनी के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसको चाहे तो ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, इसमें छोले आप ऐड करके खा सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार से पसंद है आप उसके स्नैक्स के पर्पज से आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना हुआ है ये। यम्मी है।